तुम गलत कह रहे हो। अगर मैं दोषी होता तो जानते हो मैं क्या करता? गीले कपड़े उतार कर सूखे पहन लेता ताकि अपने सबूत मिटा सकूं। मैं देखता हूं इसका मतलब। बिल्कुल ठीक, इसका मतलब कल्प्रिट इस केस में और कोई नहीं, तुम हो काउंट रोसे। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो दोस्तों जरा मुझे ये बताओ, तुमने न्यू शेरलॉक होम्स के वीडियो के बारे में क्या सोचा? ये तो बढ़िया था सुनियो, शेरलॉक होम्स वाकई एक कमाल का डिटेक्टिव है। हाँ वो बेस्ट है, वो बिल्कुल कूल है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि हमें भी एक डिटेक्टिव होना चाहिए था, क्यों? बिल्कुल मेरे जैसा। तुम जैसा डरपोक कभी भी एक डिटेक्टिव नहीं बन सकता, समझ गए ना नोबिता? हाँ समझे तुम। अरे तुम आ गए नोबिता, क्या बात है? हम सुनियो के घर एक न्यू शेरलॉक होम्स वीडियो देख रहे थे और वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, डोरेमोन। हाँ तो इसमें नई बात क्या है नोबिता? तुम भी डोरेमोन? हमेशा डोरेमोन तो मेरा मजाक उड़ाते रहते हो। जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं वो बाद में पछताते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? इसका मतलब हुआ कि ये सब यहाँ है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। अरे वाह क्या बात है, तुमने इतने सारे पैसे कैसे बचा लिए बताओ? ये मैंने कल के लिए बचाए हैं डोरेमोन। कल क्या होगा? द फिफ्थ ग्रेडर कल से सेल पर है डोरेमोन। अब हमें एक दिन और इंतजार करना है, उसके बाद हम उसे खरीद लेंगे, ठीक है ना डोरेमोन? बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम उसे लाकर मुझे भी दिखाओगे? बोलो। मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा क्योंकि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे। ओ वो तो मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया था नोबिता। मैं समझ गया तुम मुझे मक्खन लगा रहे हो डोरेमोन। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि मैं इस चाबी को कहाँ छुपाऊं डोरेमोन? वहाँ ठीक रहेगा। नोबिता तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है? मैं नहीं चाहता किसी को पता चले डोरेमोन। देखो ये सारे पैसे बचाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है डोरेमोन, तुम भी किसी से कुछ मत कहना। मैं किसी से नहीं कहूँगा। नोबिता डोरेमोन मेरे लिए सामान ला दो प्लीज। तुम चले जाओ डोरेमोन। नहीं नोबिता तुम जाओ, मुझे होमवर्क करना है। तुम्हें कोई होमवर्क नहीं करना, तुम बहाना बना रहे हो। मुझे करना है। नहीं तुम जाओ। चुप हो जाओ तुम दोनों। तुम दोनों साथ में जाके सामान लेकर आओ, समझ गए? जल्दी जाओ। मुझे लगता है हम दोनों को साथ में ही जाना पड़ेगा, क्यों है ना? ओके चलो चले। सुनिए मॉम, कुछ भी हो जाए घर खुला मत छोड़ना, ठीक है? क्या कहा तुमने? अरे अगर मुझे घर से बाहर निकलना होता तो मैं सामान खुद ना ले आती। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी जाकर सामान लाओ। ठीक है। सुनो डोरेमोन, रुकने के लिए शुक्रिया, अब हम दोनों सामान लेने जा सकते हैं। कोई बात नहीं, पर हुआ क्या था? अभी हमें मीट, अनियंस और पोटैटोस भी लेना है। और क्या बचा? कैरेट्स, करी मिक्स और पिकल्स। आज हम डिनर में करी राइस खाएंगे। हाँ।
हे नोबिता, तुमने ये देखा क्या? तुमने मुंह उधर क्यों कर लिया? तुम्हें पता है ये मार्केट में नई लॉन्च हुई है, ये कोई कोक या जूस नहीं है। देखो अब मैं इसे टेस्ट करने वाला हूँ। क्या ये टेस्टी है? तुम ट्राई करोगे? हाँ बिल्कुल। अरे ये तो खाली है। तो क्या मैं तुम्हें भरी हुई दूंगा? हाँ अब तो मुझे भी एक खरीदनी है। क्या? मॉम क्या मुझे कुछ रुपए मिल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। प्लीज मुझे 100 रुपए दे दो मॉम, उसके बाद और नहीं मांगूंगा। तुम्हारी पॉकेट मनी तुम्हें मिल चुकी है। मुझे तो पहले ही पता था कि वो तुम्हें नहीं देंगी। कोई बात नहीं, मैं अपने पैसों से ले लूंगा। हाँ, पर नोबिता मेरी बात तो सुनो तुम। तुम ये पैसे खर्च नहीं कर सकते, तुमने इतने दिनों तक वेट किया है इसके लिए। मैं इसमें से 100 रुपए निकाल लेता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुमसे या डैड से ले लूंगा, ठीक है? लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, मैं डैड से ले लूंगा। हेलो नोबिता। तुम दोनों ठीक तो हो ना नोबिता और डोरेमोन? शिज़ुका तुम बार बार बीच में मत बोला करो। ये तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? मैं तो तुमसे अपनी कॉमिक बुक वापस लेने आई थी। तो अभी तक मैंने तुम्हें बुक वापस नहीं की? मैंने अब उसे कहाँ रख दिया है? तुम जब कल रात को टीवी देख रहे थे तभी तो उसे पढ़ रहे थे। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? नहीं वो यहाँ नहीं है। तुम हमेशा बुक्स पढ़ के इधर उधर रख देते हो। नोबिता अभी मुझे कहीं जाना है, जब मिल जाए मेरे घर भिजवा देना, ठीक है? शिज़ुका रुको, अब मैं क्या करूँ? हाँ मुझे पता है, मैंने उसे वहाँ रख दिया था। वो रही डोरेमोन। जल्दी इसे शिज़ुका को दे आओ। मैं भी चलता हूँ। रुको शिज़ुका। अरे नोबिता मुझे मिल गई शिज़ुका। थैंक यू। चलो अच्छा है मैंने शिज़ुका की बुक उसे वापस कर दी। क्यों है ना डोरेमोन, मैं अब अपने लिए एक नई ड्रिंक लेकर आता हूँ। लेकिन तुम्हें अपने पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए नोबिता। ये मेरे पैसे हैं, मैं इनके साथ जो करना चाहूँ वो करूँ। नहीं नोबिता, दरअसल मेरी बॉल तुम्हारे कमरे में गई थी, इसलिए हम उसे ऊपर लेने गए थे। हाँ मेरे कमरे में, लेकिन ये बताओ तुम किससे पूछ कर गए? हमने तुम्हारी मॉम से पूछा और उन्होंने कहा ले आओ, तो हम जाकर ले आए। हे डोरेमोन, मेरी मॉम ऐसे ही किसी को भी मेरे रूम में आने कैसे दे सकती है? पर मेरी बात सुनो नोबिता। लेकर डोरेमोन, तुम जरा ध्यान से देखो, पैसे यही कहीं होंगे। कहीं तुमने तो पैसे नहीं चुराए? पर तुम ये कैसे कह सकते हो, तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है। इस टाइम तो मुझे हर किसी पे शक हो रहा है। डोरेमोन तुम भी तो इसी कमरे में रहते हो ना? पर मैं तो डोरेमोन, मुझे शक कैसे नहीं होगा, तुम्हारे होते हुए पैसे कैसे चोरी हो गए? अगर तुम ऐसा ही सोचते हो तो ठीक है। हे ये तो, जब तुम स्टिक को सीधा करोगे तो ये उसकी तरफ झुक जाएगी जिसने तुम्हारे पैसे लिए हैं। मुझे पता है, मुझे पता है। क्या कहा? साफ साफ बताओ नोबिता, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? अगर कुछ कहना है तो जल्दी कहो। अगर तुम मासूम बनने की कोशिश करोगे तो भी बच नहीं पाओगे। देखते हैं ये स्टिक किस तरफ झुकेगी। मैं विश्वास नहीं कर सकता। ये तुम क्या कर रहे हो नोबिता? ये क्या चल रहा है नोबिता? क्या ऐसी गेटअप करके अपने आप को शेरलॉक होम्स समझ रहे हो? आखिर तुम करना क्या चाहते हो नोबिता? मुझे तो पहले ही पता था कि वो तुम ही हो। नो
नोबिता को क्या हुआ? ये शेरलॉक होम्स की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि नोबिता भी मेरी वीडियो देखे। समझ गए ना तुम? मुझे घर जाकर बहुत काम करने हैं। नोबिता, अब तो तुम्हें ये पता चल गया ना कि हम में से किसी ने भी तुम्हारे पैसे नहीं चुराए। वैसे एक बात बताऊँ, तुमने अभी तक इस हैट को इस्तेमाल नहीं किया है। अगर तुम इसे यूज करोगे तो तुम्हें सही कंक्लूजन मिल जाएगा। लो पहन ली। चलो सोचते हैं डोरेमोन, कल मैंने क्या किया है। द फिफ्थ ग्रेडर की सेल हो रही है, पर रुपए तो गायब हैं। पर मुझे चाहिए है और मेरे पास पैसे नहीं है। फिर मैं डैड से कहता हूँ कि मुझे पैसे उधार दे दो। बिल्कुल नहीं, उन्होंने ऐसा कहा। मुझे पता था कि वो मुझे पैसे नहीं देंगे। अगर तुम मुझसे मांगते तो मैं भी मना ही करता। मुझे पता है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और फिर तुमने क्या सोचा? और तभी मेरे मन में एक आइडिया आया। मुझे टाइम मशीन का आइडिया आया। चलो टाइम मशीन को रुपए घूमने के पहले वाले टाइम में ले चले और देखे कि मेरी सेविंग को किसने घुमाया है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, पर इसका मतलब नोबिता। चलो एक घंटा पीछे चलते हैं। तुम्हें अब तक पता नहीं चला? मैं और देर नहीं रुक सकती, मुझे जाना है। नोबिता, मुझे घर जाके बहुत सारे काम पूरे करने हैं। तुम कहाँ हो नोबिता? नोबिता एक मिनट जरा मेरी बात सुनो। मैं इन पैसों को अपने पास रख लेता हूँ। इसका मतलब? देखा तुमने नोबिता, मैं यही कह रहा था। क्या तुम्हारा मतलब मैं चोर हूँ? और हो भी कौन सकता है? पर डोरेमोन मैं कैसे? बिल्कुल, मैं तो शुरू से ही जानता था कि पैसे तुमने ही चुराए होंगे नोबिता। लेकिन ये कैसे हो सकता है डोरेमोन, क्योंकि हमने शेरलॉक होम्स किट भी यूज करा था। लेकिन यही सच है नोबिता। नहीं डोरेमोन। पर मेरी क्या गलती है, अब मैं क्या करूँ? कुछ करो डोरेमोन प्लीज। गोस्ट इन अ कप। ये आइसक्रीम तो वाकई बहुत टेस्टी है। हाँ जियान, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये सच में बहुत टेस्टी है। तुम्हें पता है सुनियो, शेव्ड आइसक्रीम भी खाने में बहुत अच्छी लगती है। हाँ। अरे क्या हुआ? अरे जियान जरा उधर देखो, भूत बंगला। वो? हाँ मैंने भी उसके बारे में सुना है। कितना डरावना है। मुझे भी बताओ उस घर में क्या है। क्या तुम्हें नहीं पता इसके बारे में नोबिता? हाँ? क्या तुम्हें सच में नहीं पता उस घर में भूत रहते हैं? क्या भूत? ये तुम क्या कह रहे हो जियान? सच में ये सच है नोबिता। हाँ जियान ने बिल्कुल ठीक कहा, समझे तुम, वहाँ पर सच में भूत रहता है। मुझे तो नहीं लगता। ये तो सिर्फ एक अफवाह है। हाँ जरूर ऐसा भी हो सकता है, पर वहाँ भूत भी हो सकते हैं। मुझे डराओ मत। कम ऑन, हम चल के देखते हैं कि भूत है या नहीं। हाँ चलो चले। बिल्कुल नहीं जियान। चलो फिर हाथ दो। पेपर स्टोन सीजर। ये मुझे पता था कि यही होगा। तो नोबिता पहली बारी तुम्हारी है, तैयार हो जाओ। ये घर तो सच में डरावना लगता है। नोबिता तुम कर क्या रहे हो, चलो जल्दी से आगे बढ़ो। ये तो सिर्फ एक बिल्ली है। हाँ मुझे नहीं लगता कि सच में यहाँ कोई भूत होगा। देखने से तो यार्ड बिल्कुल साफ लग रहा है और डर वाली भी कोई बात नहीं लगती। वाह अंदर तो ठंडा है। यहाँ ऊपर भी बहुत रोशनी है और अच्छा लग रहा है। ये मेरा हुआ। हे नोबिता। नोबिता सुनियो, जाओ अंदर जाकर देखो कि नोबिता को क्या हुआ। मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ, तुम्हें जाना है तो। क्या मैं बिल्कुल नहीं। अब हम क्या करेंगे जियान? मुझे नहीं पता। ये तुम क्या कह रहे हो नोबिता? मुझे तो विश्वास नहीं होता कि तुम अंदर गए थे।
अंदर रोशनी थी, ठंडक थी और बहुत अच्छा लग रहा था। अंदर जाने पर मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वहाँ कोई भूत हो सकता है डोरेमोन। सच में? और मैंने एक अच्छे आइडिया के बारे में सोचा। पर वो क्या? मैं उससे अपनी सीक्रेट छुपने की जगह बनाऊंगा। क्या कहा? हाँ, वो जगह बहुत अच्छी है। मैं वहाँ आराम से सो सकता हूँ, कॉमिक बुक पढ़ सकता हूँ और जो चाहे वो कर सकता हूँ, है ना? हाँ, ये तो सच बात है। नोबिता। अरे शिज़ुका, कैसी हो तुम? अरे तुम इतनी सारी चीजें लेकर कहाँ जा रहे हो नोबिता? अपने छुपने की जगह। छुपने की जगह? हाँ, छुपने की जगह। क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी शिज़ुका? हाँ, पता नहीं यहाँ कोई रहता है या नहीं। शायद इसलिए कि ये पुराना हो गया है। देखना, मैं इसे अपनी खाने की जगह बनाऊंगा। इसका अंदर आने का दरवाजा बंद नहीं होता। बहुत बुरी बात है। चलो अब ऊपर चले। मैं सोचता हूँ कि मैं इसे रीडिंग रूम बनाऊंगा, इसलिए मैं ये सब ले आया। अरे तुम कॉमिक बुक्स लेकर आए हो? और इस कमरे में मैं सोया करूँगा शिज़ुका। अरे वाह, यहाँ तो काफी रोशनी और हवा है। तुमने सही कहा, कोई भी यहाँ पर मुझे परेशान नहीं कर पाएगा और मैं आराम से सोऊंगा। जब भी तुम चाहो तुम इस जगह पर आ सकती हो शिज़ुका। थैंक्स नोबिता। अंदर आ जाइए। ये कौन है? मुझे तो ये पुराना सा दिखाई दे रहा है। नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा ठीक कराने पर ये बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। चलिए मुझे थोड़ा सा और दिखा दीजिए। क्या नहीं? हाँ? ये रूम जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसमें धूप बहुत बढ़िया आती है। कैसा लगा आपको? मुझे अच्छा लगा ये। मुझे तो नहीं लगता कि कोई इस घर को किराए पर ले सकता है। देखिए, आपका ये घर मुझे बहुत पसंद आया। आपकी हमारी डील पक्की, मैं अभी से रहना शुरू कर दूंगा। आपको मुबारक हो। जब मैंने छुपने की जगह ढूंढी तभी ये हो गया। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते नोबिता, कोई उस जगह को किराए पर लेना चाहता है। लेकिन मैं वो जगह नहीं छोड़ना चाहता। पर हम उसे भूत बंगला कैसे बनाएंगे? तुम्हें कुछ भी करके उस घर को भूत बंगला बनाना होगा और उन किराएदारों को भगा देना होगा। हम उन्हें डरा कर उस जगह से भगा देंगे। उसके बाद फिर वो घर हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा डोरेमोन। लेकिन नोबिता, बात को समझो, वो तुम्हारा घर नहीं है। और फिर हम उसे भूत बंगला कैसे बनाएंगे, तुम ही बताओ नोबिता। मैं नहीं जानता, तुम्हें कुछ करना ही होगा। जब तुम इसे खोलकर इसमें पानी डालोगे तो इसमें से एक भूत निकलेगा। तुम समझ रहे हो ना नोबिता? बिल्कुल, कप नूडल्स की तरह। इसलिए इसे घुसने कप कहते हैं। चलो आज शाम को इसे ट्राई करके देखते हैं। नोबिता, मुझे नहीं लगता कि उन्हें भूत से डर लगेगा। हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम ट्राई नहीं करें। अरे नोबिता, तुम्हें क्या हुआ? मुझे भूतों से डर लगता है, इसलिए मैं नहीं देख रहा। तो हम उन्हें कैसे डरा पाएंगे अगर तुम खुद ही भूत से डरोगे? हाँ? क्या हुआ? पानी भूल आया। हाँ? तुमने ये क्या किया? पता नहीं तुम कोई भी काम ढंग से क्यों नहीं कर सकते डोरेमोन। नोबिता, तुम मुझसे ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ, समझे? अच्छा, मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ बताओ? कौन है? म्याओ, 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 तो म्याओ, अभी बताता हूँ। भागो यहाँ से। अरे ये भूत तुम्हें नहीं डराएगा। गर्मी कुछ ज्यादा ही हो रही है। बस तुम यहीं रुक जाओ, थोड़ी देर में वो यहीं आने वाले होंगे। नोबिता, नोबिता। हाँ डोरेमोन, ये बताओ भूत कहाँ पर है? हाँ? हम उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। बाथरूम जाकर मुझे सो जाना चाहिए, थक जाता हूँ बहुत।
डरा तुमने? हम इसे जरूर डरा देंगे डोरेमोन। अजीब बात है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आप तुम सही कह रहे हो, कहीं भूत ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? हाँ, अरे वो तो सो गया। लगता है मुझे ही जाकर देखना होगा। ये तो सूख कर बिल्कुल छोटा हो गया है। क्या? अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि अब ये उठेंगे। हमें इन्हें छोड़कर चले जाना चाहिए। जब ये ऐसा होता है, ये बिल्कुल डरावना नहीं लगता। ये तो एक सूखी मछली की जैसा है। अरे बारिश शुरू हो गई। डोरेमोन, ये भूत इसे हटाओ। मेरी मदद करो डोरेमोन, ये बहुत गंदा है। मेरी मदद करो। ये तो पानी एब्जॉर्ब करके एक्सपैंड हो रहा है। बचाओ डोरेमोन, मुझे बहुत डर लग रहा है। डोरेमोन कुछ तो करो, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। डोरेमोन करो कुछ जल्दी। तुम उसे अपने हाथ से छोड़ क्यों नहीं देते? डोरेमोन मुझे इस भूत से बचा लो।